श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन गंगा दशहरा पड़ता है। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा इस दिन भागीरथ के पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने के लिए पृथ्वी पर उतरी थी। गंगा दशहरा पृथ्वी पर गंगे नदी के आगमन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कब है गंगा दशहरा, क्या रहेगी दशमी की तिथि और क्या है व्रत से संबंधित कथा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगामी व्रत एवं त्यौहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। गंगा दशहरा 1 जून 2020 दिन सोमवार को है। दशमी तिथि का प्रारंभ होगा 31 मई 2020 दिन रविवार को शाम के 5:36 पर और समाप्ति होगी 1 जून 2020 दिन सोमवार को दोपहर 2:57 पर। चलिए जानते हैं कि गंगा दशहरा से संबंधित व्रत कथा क्या है। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। ये यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने अग्नि नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। उन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है, इसलिए उचित ये होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट कर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम ये हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकालने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निदान करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवनदान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशी देशों में गंगा की महिमा गाई जाती है। तो ये थी कहानी माँ गंगा की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के